द स्टूडेंट इनको फील होता है कि वो पढ़ाई में इनफ नहीं है वो नहीं कर पा रहे जितनी भी मेहनत करे रिजल्ट आता ही नहीं है सर मम्मी पापा चिल्लाते हैं टीचर अलग से चिल्लाते हैं हमको डीमोटिवेटेड फील होता है स्ट्रेस्ड फील होता है सर ऐसा लगता है कि हम के लाइफ हमारे लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं है पहले तो वीडियो देखते देखते शांत हो जाओ ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीदिन ब्रीद आउट जस्ट रिमेंबर वन थिंग जैसे मैं हमेशा बोलता हूं पहला पॉइंट तो ये है शांत हो जाओ थोड़ी सांस लो सांस लेना सीखो दूसरा जस्ट रिमेंबर वन थिंग ये चीजें आपको डिफाइन नहीं करती नहीं करती और नहीं करती हंड्रेड परसेंट बट सर सब लोग बोलते हैं फर्क पड़ता है सर ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा बच्चों सी इट्स नॉट अबाउट मार्क्स इट्स अबाउट द एफर्ट दोस इन टू इट एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग एफर्ट एंड यू नो इट झूठ नहीं बोलना है खुद से खुद से झूठ नहीं बोलना है कॉन्स्टेंटली टेकिंग एफर्ट्स और आपको पता है आप एफर्ट्स ले रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है ओके चेंज योर मेथड्स विल टॉक अबाउट इट यू नो हाउ कैन यू इंप्रूव इन दैट सेक्टर बट पहले तो खुद से झूठ मत बोलो आर यू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ आर यू सीरियसली वर्किंग हार्ड एंड स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट इफ येस देन लेट मी नो बट इफ नॉट रिफ्लेक्ट थिंक अबाउट एट And remember, this will not define me. यू विल ऑलवेज हैव समिंग विच are good at, and you will excel. but be honest with yourself and remember one thing all these things will not define me i am beyond all this you know but sir mummy chillate hai papa chillate hai make them understand that this is my weaknesses kar raha eventually they love you they will understand you and slowly slowly when you change your methods when you change your approach and when you are true to yourself you will do well thank you so much